सलमान, सोनाक्षी, साइन मंजेकर, किच्चा सुदीन स्टारर दबंग 3 रिलीज हो चुकी है। ऐसे में हर तरफ इस फिल्म की ही बातें हो रही हैं। लेकिन इससे पहले ही अक्षय की फिल्म रिलीज होती सलमान और अक्षय के फैंस में मच रही है जंग। लेकिन क्यों? फिलहाल वो हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि अभी कुछ दिन बाद ही खिलाड़ी कुमार की फिल्म गुड न्यूज रिलीज होने वाली है। ऐसे में सभी को लगता है कि अक्षय की फिल्म सलमान की फिल्म का ग्राफ यकीनन गिरा देगी। लेकिन आपको बता दें कि सलमान की फिल्म ने भी अपने फर्स्ट वीक में 81.15 करोड़ का बिजनेस अपने नाम कर लिया है। ऐसे में कफाउड़ी जिसमें कहा गया कि सलमान की फिल्म ने भी अक्षय की फिल्म मिशन मंगल का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिया। बस क्या था, अपने फेवरेट सुपरस्टार के बारे में ये बात सुन अक्यंश ने भी अपना स्टैंड लिया और इन सभी खबरों को झूठा बताते हुए कुछ यूजर्स ने ये ट्वीट किया, इट्स ट्रू दैट दबंग 3 इज डूइंग वेल ऑन संडे एट द बॉक्स ऑफिस बट ऑल्सो दबंग 3 क्रिएटेड हिस्ट्री ऑन मैनिपुलेशन विद 13 करोड़ अप्रॉक्स और इट्स फर्स्ट वीक इन इटसेल्फ। दबंग 3 बॉक्स ऑफिस स्कैम ज्यादा हो रहा है। दबंग 3 बॉक्स ऑफिस स्कैम CAA प्रोटेस्टर्स आर एक्चुअली अंडरकवर सीक्रेट एजेंट्स ट्राइंग टू सेव द कंट्री फ्रॉम दबंग 3। वेल इन सबके बाद सलमान के फैंस भी कहां रुकने वाले थे, उन्होंने भी दबंग खान के सपोर्ट में ट्विटर्स की झड़ी लगाना शुरू कर दी और ये ट्वीट किया, दबंग 3 सक्सेसफुली पास ऑन इट्स मंडे टेस्ट एक्सपेक्टेड फोर डे 12-13 करोड़, टोटल फुटफॉल्स फर्स्ट 58.82 लाख, ट्यूजडे फिफ्थ लुक्स अराउंड 12 करोड़, धरिंग धाक की कुमार सिटीजनशिप स्कैमर अक्षय, नो वन कैन टेक पंगा विद सलमान फैंस, सिटीजनशिप स्कैमर अक्षय, पिक वन कैनेडियन अक्षय कुमार क्लेमिंग He hasn't been Canada in last 7 years. He has been to Canada in 2014 along with Mika Singh and others. Fake Deshbhakti lies exposed. Well, fans का एक दूसरे से ऐसे लड़ना समझदारी है या फिर ना समझी ये तो नहीं पता, पर हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि बेशक दोनों के फैन अलग अलग हो, लेकिन ये समझिए कि ये दोनों सुपरस्टार्स एक ही देश और एक ही इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं। ऐसे में जब उन स्टार्स ने एक दूसरे से कभी अपना स्टारडम कंपेयर नहीं किया तो बोला उनके फैंस को शायद ये करने की जरूरत नहीं। इन सब पर आपकी क्या राय है रखिए जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में।